इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। सन 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर विलियम हेनरी स्लीमन ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में डायनासोर की कुछ हड्डियों की खोज की थी। ये एशिया में अपने तरह की एक पहली खोज थी। तब से भारतीय उपमहाद्वीप ने न केवल डायनासोर के बल्कि लाखों साल पहले मौजूद विभिन्न जानवरों और पौधों के हजारों अवशेष या जीवाश्म पाए गए हैं। लेकिन इसके पहले कि हम भारत की समृद्ध जीवाश्म विरासत के बारे में बात करें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जीवाश्म होते क्या हैं और वे बनते कैसे हैं। दशकों से इस विषय पर कई महत्वपूर्ण शोधों में शामिल IIT रुड़की के प्रोफेसर पेलिंटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील बाजपाई हमें इस बारे में बताते हैं। करोड़ों साल, लाखों साल जो पुराने अवशेष हमें मिलते हैं जानवरों के, फूल के, पत्ती के, जो पत्थरों में दबे हुए हैं आज, उनको हम फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। जब कोई भी जानवर मरता है तो उसके बाद अगर उसकी जो उसके सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो तो ज़्यादातर जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ हार्ड पार्ट्स जो हैं, जैसे हड्डी हो गई, बोन हो गई या दांत हो गए, ये रह जाती हैं। और ये जब किसी लेक में या नदी में या समुद्र में चले जाते हैं और फिर उनके ऊपर मड और सिल्ट इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और वो बरी हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है इन हार्ड पार्ट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनके अंदर जो है मिनरल है वो चले जाते हैं, डिसॉल्व मिनरल वो चले जाते हैं और उसको बहुत सख्त कर देते हैं, पत्थर बना देते हैं, पेट्रीफाई कर देते हैं और वो फॉसिल बन जाता है। तो वो जो सबसे पुराने जीवाश्म भारत में पाए जाते हैं वो करीब 2500 से लेकर 3500 मिलियन ईयर पुरानी रॉक्स में पाए जाते हैं। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लाखों वर्ष पुरानी चट्टाने हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक के धारवाड़ क्रेटन और राजस्थान में अरावली क्रेटन इतने पुराने हैं कि उनसे भूवैज्ञानिकों को पृथ्वी के निर्माण की कहानी समझने में मदद मिलती है। और ये इतने पुराने क्षेत्रों से हैं कि जीवाश्म विज्ञानों को ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि शायद व्हेल मछली और घोड़े भी भारत में ही पैदा हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पे हिंदुस्तान में ये जो अर्ली वेल्स के फॉसिल, देखिए वेल एक मैमल है, जैसा कि आम जानकारी में है वेल जो है मछली नहीं होती है, हालांकि वो रहती समुद्र में है लेकिन वो मैमल है हम लोगों की तरह, और लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो जमीनी जानवर थे, ठीक है, चार पैर वाले। और ये इंडिया में और मैं कहूँगा पाकिस्तान में भी ये जो 40 से लेके करीब करीब 50 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल मिली हैं वेल्स के पूर्वजों के, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेल्स जो हैं उनका जन्म यहाँ पे हुआ, उनका ओरिजिन इंडिया में हुआ। और इनका जो जमीनी जानवर जो था, उनका पूर्वज था, जो उसके फॉसिल हम लोगों को जम्मू और कश्मीर में मिले हैं और वो उनकी करीब एज करीब 47 मिलियन ईयर पुरानी है, और उससे थोड़ा सा पहले भी रहे होंगी वेल्स, और उसके बाद करीब 40 मिलियन ईयर तक आते आते ये पूरी तरह समुद्री जानवर बन गए। तो ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है वेल्स का ओरिजिन अपने जो लैंड बेस्ड एंसेस्टर से। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हाल में हमारे और हमारे ग्रुप ने गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में कई कोयले की माइंस हैं, लिग्नाइट की माइंस हैं,
वहाँ से हम लोगों ने कई जानवरों के फॉसिल्स डिस्क्राइब किए। उनमें से एक प्रमुख फॉसिल है शुरुआती घोड़ों के, हॉर्सेस के। और इससे पहले ये माना जाता था कि जो घोड़ों की, हॉर्सेस की जो ओरिजिन है वो पर या तो नॉर्थ अमेरिका या एशिया में हुई है। अभी भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन जो हम लोगों का यहाँ फॉसिल मिले हैं इंडिया में, उससे ये पता चल रहा है कि जो हॉर्सेस है इनकी इनकी जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुई है। और हम लोगों ने 2005 में रिसर्च किया था और ये जो घोड़ों के फॉसिल हम लोगों को मिले थे उनको हम लोगों ने एक नया नाम दिया, नई फैमिली बनाई जिसका नाम था कैम्बिथेरिडी। और ये जो फॉसिल बनाया कैम्बिथीरियम नाम दिया उसको, नए जीनस। तो ये जो नए फॉसिल मिले इंडिया के, ये बिल्कुल शुरुआती दौर के घोड़ों की जो प्रजाति थी उनकी बिल्कुल शुरुआती रिप्रेजेंटेटिव थे ये। देखिए जो जो जानवर होते हैं, एक तो बड़ा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, एक बड़ा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। जो वो जानवर जिनके बैकबोन नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर इंडिया में उनके जीवाश्म पाए जाते हैं जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं और कुछ लैंड में भी रहते हैं। तो इंडिया में जैसे कच्छ गुजरात में जो जुरैसिक टाइम था, जुरैसिक टाइम ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था, वहाँ पर कच्छ में उनके अमोनाइट के फॉसिल मिले हैं जिन्होंने दुनिया भर में जिनका नाम है अमोनाइट। ये समुद्र में रहने वाले जानवर थे और ये उसी समूह के हैं, उसी ग्रुप थे जिसमें ऑक्टोपस होता है। लेकिन अमोनाइट तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनके जो रिलेटिव हैं जैसे ऑक्टोपस है अभी भी मिलता है। तो वो कच्छ में पाए जाने वाले अमोनाइट का दुनिया में बहुत नाम है, दूर दूर से लोग उनकी स्टडी के लिए आते हैं यहाँ पर। इसी तरह राजस्थान में भी मिलते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो फॉसिल का गढ़ है वो समुद्री जानवरों का जो सेंटर है वो है टेथीज हिमालय जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत खड़े हुए हैं, वहाँ पर कभी टेथीज सी हुआ करता था और उस सी में भांति भांति के समुद्री जानवर रहा करते थे। उदाहरण के तौर पर जांस्कार रेंज जो है आज की, वहाँ पर तरह तरह के समुद्री जानवरों के फॉसिल मिलते हैं जो कि मेसोजोइक टाइम के हैं। वर्टिब्रेट्स में आपको बता दूं, यहाँ पर दुनिया की बहुत बड़ा अंडों का फॉसिल कलेक्शन मिलता है, डायनासोर के अंडों का। डायनासोर जैसे आपको पता है रेप्टाइल होते थे और वो अंडे देते थे, तो इंडिया में कई ऐसी साइट्स पाई गई हैं जहाँ पर हजारों अंडे पाए गए हैं। भारत में एक जगह जहाँ डायनासोर के 10,000 से अधिक अंडे पाए गए हैं वह है गुजरात में रैयोली। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी में से एक थी। अब इस साइट का एक हिस्सा एक वन्य जीव पार्क में तब्दील कर दिया गया है। जीवाश्म क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि उनका अतीत के जीवन, परिदृश्य और जलवायु से एक गहरा संबंध रहा है। फॉसिल्स के कई सारे एप्लीकेशंस हैं और जैसा मैंने बताया जो जीवन की शुरुआत हुई है करीब करीब 3,500 मिलियन ईयर पहले हुई है, तब से लेकर आज तक लाइफ जो है इवॉल्व कर रही है। तो पूरे जो इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, तो इस इवोल्यूशन को समझने के लिए फॉसिल्स का बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि फॉसिल से ये पता चलता है कि किन किन स्टेजेस से होके आपको ये जो प्रेजेंट मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसके बनने में कौन कौन सी स्टेजेस थी, कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्टेजेस थी, चाहे वो आदमी हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, व्हेल हो, किसी भी प्रजाति का हो, उसकी किसी न किसी समय उत्पत्ति हुई है और फिर उसके बाद वो उसका इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस हुई है और वो तब जाके आज की अवस्था में पहुँचा है। तो आज की बायोडाइवर्सिटी में आपको प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी मिलते हैं,
एडवांस फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी मिलते हैं, और जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में बहुत पुराने से लेकर बहुत नए फॉसिल्स तक मिलते हैं। तो ये कहिए कि पूरा जो इवोल्यूशन है, किस तरीके से जीवन का जो विकास क्रम है, जो ट्री ऑफ लाइफ है, वो हमारे हिंदुस्तान के फॉसिल से समझने में उसको आसानी होगी। देखिए, ये जिक्सा पजल है एक तरीके से, और हर ग्रुप के फॉसिल हर जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है। दुनिया में कई जगह कई एज के फॉसिल मिलते हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जिस एज के फॉसिल, जिस तरह के फॉसिल मिलते हैं, वो हो सकता है दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिले। तो ये स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए पूरी दुनिया भर के फॉसिल को देखा जाता है, और तब एक प्रजाति के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो यूज है वो है इवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा एक जो इस्तेमाल है फॉसिल्स का, वो ये कि फॉसिल से हमें उन रॉक्स की, उन पत्थरों की आयु निर्धारण में, एज डिटर्मिनेशन में भी मदद मिलती है, क्योंकि हर फॉसिल्स का एक निश्चित समय में वो रहा है पास्ट में, ना उससे पहले था ना उसके बाद में था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वो पाया जाएगा, आप उसकी एज निर्धारण कर सकते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं दुनिया में दूसरी उसी तरह के जानवरों के अवशेष के आधार पर। तो एज डिटर्मिनेशन में पत्थरों की आयु निकालने में उनका इस्तेमाल है, इवोल्यूशन में इस्तेमाल है। इसके अलावा जो पास्ट में भौगोलिक स्थितियां थी, पैलियो जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो पता चलता है उनसे बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको समुद्री जानवरों के अवशेष मिलते हैं। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका यही एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ पर कभी समुद्र था और समुद्र में जानवर रहते थे जो कि मरने के बाद वहाँ पे फॉसिलाइज हो गए। तो ये पास्ट भौगोलिक स्थितियों के बारे में पता चलता है, पास्ट क्लाइमेट के बारे में पता चलता है, क्योंकि हर जानवर की अपनी एक क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल टॉलरेंस होती है। वो एक खास तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकता है, खास तरीके की क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल कंडीशंस में ही रह सकता है, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारत के जीवाश्म संपदा और विरासत को भ्रष्ट, अवसरवादी और उदासीन सरकारी अफसरों से खतरा बना हुआ है, क्योंकि वनों की कटाई और खनन के माध्यम से जीवाश्म स्थलों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। रिसर्च के लेवल पर आए तो हम लोगों के यहाँ पैलेंटोलॉजी की रिसर्च को उस तरह की फंडिंग नहीं है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, लेकिन है सपोर्ट, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह के फॉसिल्स हैं, इतनी एज के फॉसिल्स हैं कि इनकी प्रॉपर स्टडी के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या में पैलेंटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है फॉसिल्स को बचाने के लिए। एक मैंने अभी उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले आपको, डायनासोर के फॉसिल्स का, अंडों के फॉसिल्स का, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर पाए गए थे। आज की तारीख में आप जाइए इन फॉसिल्स की साइट्स पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि फॉसिल्स बहुत कम बचे हैं या कई जगहों में है ही नहीं। उसका एक कारण ये था कि शुरुआती दौर में जब वहाँ पर साइंटिस्ट जाते थे, उनको निकालते थे, तो आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी मिलती थी, तो वो लोग भी अपनी तरह से उन फॉसिल को निकालने लगते थे और उसमें वो कई सारे फॉसिल तोड़ भी देते थे। इसके अलावा बहुत सारे फॉसिल जो है वो निकाल लिए गए, और कई हो सकता है कि कई बड़े बड़े ऑफिसर्स के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हों। और तो ये अनफॉर्चुनेट है कि फॉसिल जो है उनकी स्टडी होने की बजाय वो उनको तोड़ दिया गया और लोगों ने अपने अपने घरों में रख लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र टाइप की स्थिति होती जा रही है, जहाँ पे हमारे पास इतनी सारी वेल्थ है, लेकिन हमको अपनी ही वेल्थ का
ना परवाह है और ना हमारे पास एक शायद पॉलिटिकल विल भी नहीं है कि हम लोग इस तरह का काम करें, एक 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 म्यूजियम बना खड़ा करके दिखा दें जहाँ पर दुनिया में लोग आके देखें या हमारे देश के ही लोग आके देखें कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा फॉसिल की संपदा है और यहाँ पर इस काम करने की जरूरत है।